Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाए एक अमेजिंग सा सेशन जिसमें हम लोग AITS फ्लैशबैक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे। मैं शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट, पटना। तो चलिए देखते हैं AITS फ्लैशबैक 2 में जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस था उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 66 से स्टार्ट है। तो देखिए 66 क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व होगा। बड़ा ही अच्छा पेपर था, 15 क्वेश्चन के आसपास है ऑर्गेनिक का, आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा। जो फ्यूचर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम नीट के डिजाइन से ही पेपर जो है डिजाइन किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स, ऐसा दिया हुआ है। द फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H+ आयन टू एल्कीन पोर्शन विच कैन बी सोन एज। बेटा होता क्या है, जैसे हम लोग एक एल्कीन लिए सी डबल बॉन्ड सी, और इसमें किसका एडिशन करना बेटा, HCl का। तो HCl का एडिशन करोगे, पाई ब्रेक होगा, एक कार्बन पे H और दूसरे पे जाके Cl अटैच होगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि इसका अगर तुम मैकेनिज्म देखोगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले H+ का इसमें एडिशन होगा। तो एल्कीन है, इसमें अटैक कौन करेगा बेटा, H+। हम लोग को तो पूरा मैकेनिज्म का इसमें जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम लोगों से सीधा पूछा है कि ये जो H+ पे अटैक करेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा बात है, हम लोग एरो से क्या दिखाते हैं बेटा, एरो जो ऐसे देते हैं कि ये इस पे अटैक किया, इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इस पे अटैक करेगा H+ पे, तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो यहां से एरो इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे ना, ये इस पे अटैक कर रहा है। तो आंसर तो देखो इतने से ही मिल जाएगा, और करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि दिखा रहा है कि पाई जो है सी डबल बॉन्ड सी का वो H+ पे अटैक कर रहा है। ठीक है, आंसर तो मिल गया सेकेंड ऑप्शन। बाकी होता क्या स्टूडेंट्स, ये पाई ब्रेक हो जाता है, जैसे इस पे H लग गया, इस पे पॉजिटिव रह गया, और अगले स्टेप में फिर क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन है इस पे Cl- जाके अटैक करेगा और यहां पे Cl आके अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 67। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि इन खजलदाल्स मेथड फॉर जेलदल बोलते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है, जेलदल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ N2, ओके, पोटेशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जेलदाल मेथड में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है ना, कॉन्क H2SO4 इसमें डाल दिए, NH4Hol2SO4 बनाता है ये, NH4Hol2SO4। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और वो अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NH4Hol2SO4 बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में K2SO4 ऐड किया जाता है, ठीक है, और जो K2SO4 ऐड किया गया ना उसका काम क्या है
कि इस रिएक्शन मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। H2SO4, ये सॉरी जो आपका K2SO4 ऐड किया गया, इसका काम है जो रिएक्शन मिक्सर है उसका बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देना, करीब करीब 180 से 400 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है ये बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज किया। इससे होता क्या है, देखो क्यों इंक्रीज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है ना, उसको रिमूव करना है, रिलीज करवाना है उससे रिलीज करवाना है, हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, तो K2SO4 ऐड करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को इतना बढ़ा दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा बात, कॉपर सल्फेट जो दिया जाता है वो सिर्फ रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, दैट मीन्स CuSO4 इस रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट की तरह। इसके बदले में हम लोग दूसरा भी मरकरी ले सकते हैं, सेलिनियम ले सकते हैं, CuSO4 लेस कॉस्टली होता है यू कैन से, इसलिए हम लोग CuSO4 का कैटलिस्ट की तरह इसमें यूज करते हैं जेल डाल मेथड में। अब जरा ऑप्शन को पढ़ो, फर्स्ट में लिखा है पोटेशियम सल्फेट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड इंश्योर्स कंप्लीट रिएक्शन, तो सही बात है। दूसरा दूसरा दिया स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, वो तो हमने देखा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसा हम लोग कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि टू आइसोमर्स ए एंड बी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या क्या रहा है, देखो कि इसका दो आइसोमर है ए और बी, देखेंगे क्या ए है और क्या बी है, ये तो अभी हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे। कहता है कि गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, मतलब कहने का KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इसका मतलब तुम समझो हॉट KMnO4। स्टूडेंट्स हम लोग एल्कीन का रिएक्शन कोल्ड KMnO4 से भी पढ़ते हैं, जो कि बेयर्स रिएजेंट होता है बेसिक मीडियम, और KMnO4 हॉट के साथ भी रिएक्शन करते हैं। कोल्ड KMnO4 के साथ जो हम लोग रिएक्शन करते हैं उससे विसिनल डाइऑल बनता है, पाई ब्रेक होकर के OH लगता है, तो विसिनल डाइऑल बना, और हॉट KMnO4 के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जिस तरह से प्रोडक्ट बनता है उसी तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों को ही कह रहा है कि KMnO4 H+, मतलब हॉट KMnO4 का केस है। तो कहता है कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है ऑन ऑक्सीडेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट। अब कहता है ए आइसोमर जो ए है ऑन रिएक्शन विद KMnO4 H+ रिजल्ट्स इन इफर्वेसेंस ऑफ गैस। अब ये जो स्टूडेंट्स दिया हुआ है ना कि यहां से इफर्वेसेंस ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब यहां से तुमको समझना है कि CO2 रिलीज हो रहा है। क्योंकि बेटा होता क्या है कि अगर टर्मिनल एल्कीन लोगे ना, टर्मिनल पोजिशन पे जैसे डबल बॉन्ड CH2 है और उसमें हॉट KMnO4 दोगे तो वो कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है। तो यहां जो इफर्वेसेंस लिखा है गैस का, इसका मतलब पक्का हो गया कि ये CO2 बना होगा, ठीक है, इफर्वेसेंस ऑफ गैस एंड गिव्स कीटोन, और कीटोन देता है, तो द कंपाउंड ए इज। ऑप्शंस तुम्हारे पास दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो 2-methyl propene होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं यहां पे समझाता हूं, तो जरा देखो 2-methyl propene किस तरह का होगा, 1, 2, 3 तीन कार्बन ले लिया, डबल बॉन्ड लगा दिए, प्रोपीन बन गया, 1, 2 नंबर पे मिथाइल लगा दिया, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 2-methyl propene, एच लगा दो, ये हो गया CH3। ये अगर ए है और इसमें हम लोगों ने KMnO4 H+
हीट किया, हॉट किया, मैंने फोड़ लिया, तो किस तरह का प्रोडक्ट होगा? ये बॉन्ड दोनों ब्रेक होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट सोचो। तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड हो तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH3 कीटोन। और दूसरा बात, ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी का इफरवेसेंस वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन अगर देखो, जैसे एक वन ब्यूटीन दे रखा है, ठीक है, ब्यूट वन ई, उससे कीटोन नहीं बन पाएगा। इससे देखो, एक तो कीटोन बना, दिस इज कीटोन, और दूसरा CO2 भी रिलीज हुआ। लेकिन तुम अगर वन ब्यूटीन लेते, सोचो जरा, एक दो तीन चार डबल बॉन्ड यहां, तो ये तो बेटा कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, लेकिन लेकिन अब बाकी सोचो कि दूसरा क्या बनता। तो इसको ब्रेक करते अगर, तो CH3CH2 और ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, हम लोगों को तो कीटोन दिया, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो 2-methylpropene हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास अब है वो है क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है जरा देखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन टू एल्कीन बिकाउट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ते ना बेटा परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट पढ़ते ना, जिसमें कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो ये एप्लीकेबल है एल्कीन का, अगर हम HBr एल्कीन में HBr का एडिशन करें, और वो भी बेटा इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यह पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा कि HCl और HI में क्या दिक्कत हो गया, उसमें क्यों नहीं होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई HCl और HI के केस में या HF के केस में ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है। तो देखो, जैसे तुम एक सबस्ट्रेट ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, और इसमें दे दो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड R2O2, जैसे H2O2 परऑक्साइड होता है R2O2, तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा यहां पे, और एंटी मार्कोनिकॉफ से जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पे Br लगेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ से लगाते तो यहां लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ से यहां पे Br लगेगा। तो क्या बना प्रोडक्ट स्टूडेंट, CH3CH2CH2Br ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म अगर देखो तो देखो क्या होता है। स्टेप वन में ये जो हमारे पास R2O2 परोक्साइड है, तो स्टूडेंट तुम्हें पता होगा कि परोक्सी लिंकेज मतलब कि OO सिंगल बॉन्ड बहुत ही वीक लिंकेज होता है, बड़ा ही आसानी से टूट जाता है, इजिली क्लीव हो जाता है। और बेटा OO दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होने से कैसे टूटेगा बोलो, फ्री रेडिकल फॉर्म में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ये सबसे पहले ब्रेक हुआ RO और RO, क्योंकि जो फ्री रेडिकल आपका बन रहा है ना वो क्यों बन रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, इसलिए होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। ओके, अब क्या होगा स्टेप टू में कि ये जो RO बना साथ में क्या था बेटा HBr, तो ये HBr पे जाके अटैक कर लेगा, इसको ये खुद रेडिकल है तो इसको तो आयन में तोड़ेगा नहीं, इसको भी रेडिकल के फॉर्म में तोड़ेगा H.NBr. दोनों में इसको कमजोर कौन दिखा, HBr तो लार्ज साइज है तो H इसको कमजोर दिखा, तो RO अटैक किस पे करेगा बेटा, H पे, H.NBr पे। तो यहां से बन गया ROH और साथ में क्या हुआ स्टूडेंट्स Br. ठीक है Br. अब स्टेप थ्री में क्या होगा देखो, रिएक्टिंग स्पीसीज यही होता है, जो Br. बना दिस इज रिएक्टिंग स्पीसीज, फर्दर रिएक्शन में ये रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, रिएक्शन करेगा।
तो अब तुम्हारे पास दिया है एल्कीन, तो देखो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, साथ में क्या ऐड कर रहे हो बोलो, Br डॉट। अच्छा एक बात बताओ, इसको लिखने से पहले अगर यहां H प्लस होता तो तुम क्या करते, पाई ब्रेक करते, यहां H लगाते और यहां प्लस लाते। क्यों प्लस यहां लाते, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता। उसी तरह से स्टूडेंट्स Br डॉट दिया तो यहां पे Br लगाओ, यहां डॉट लो रेडिकल, क्योंकि यहां अगर डॉट लाओगे फ्री रेडिकल बनाओगे तो वो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, तो ऐसा ही करना है। चलो जोड़ देते हैं, तो CH3CH डॉट और इधर क्या हो जाएगा CH2 के साथ Br, ठीक है ये बन गया। अब देखो स्टेप फोर में इसको लग नहीं रहा है कि H डॉट खाली इसके पास एक और आ जाए, H आ जाए तो प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट देखो उधर, तो अब ये ROH से H लेता है, तो क्या होगा देखो CH3CH डॉट CH2Br, ये ROH से यहां से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एच डॉट गेन कर लेगा, एच डॉट लगा तो क्या बना प्रोडक्ट देखो CH3CH2CH2Br और साथ में फिर से RO डॉट। अब फाइनली क्या होगा, एक और चीज होगा कि जो RO डॉट है अभी रिलीज हुआ, ये अगेन ऐसे ही दूसरे RO डॉट से कंबाइन करके ROOR फिर से बना लेगा और रिएक्शन इस तरह से चलता रहेगा। अब समझो ध्यान से जरा स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हुआ क्या, पहले ये पेरोक्सी ब्रेक हुआ, बहुत आसान है, इजीली ब्रेक होगा। अब RO डॉट HBr को क्लीव किया, अब होता क्या है ना बेटा कि HF और HCl के लिए अगर बात करें तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन से ऊपर है, तो HF और HCl का बॉन्ड लेंथ HBr से कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा हुआ, HF और HCl का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम है किससे, HBr से, इसलिए बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। HCl का या HF का बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किससे, HBr से, तो बॉन्ड अगर मजबूत होगा ना तो स्टूडेंट ये RO डॉट उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, HBr को तो ब्रेक कर दिया, बट HF या HCl का क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो ये RO डॉट उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ब्रेक नहीं कर पाएगा तो फिर आगे का रिएक्शन कैसे होगा। उसको ऐसे भी कहते हैं कि स्टेप टू जो है वो एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है बेटा, ओके। तो ये तो बात हुआ कि HF और HCl में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, ये पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं लगा, HBr में तो हो ही रहा है। HI का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो HBr से ज्यादा, मतलब HI तो आसानी से टूटने वाला है, बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी, तो अगर तुम आयोडीन वाला HI वाला केस लो तो ये स्टेप होगा, HI यहां पे लो तो ROH और I डॉट बनेगा। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स कि I डॉट जो बनता है ना उसकी टेंडेंसी होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन की, I डॉट दूसरे I डॉट से कंबाइन करके I2 बना लेना चाहता है, और दूसरा एक और बात कि लार्ज साइज I डॉट का होने के कारण वो एल्कीन पे आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जो स्टेप थ्री होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, किसमें, HI के केस में, मतलब ये स्टेप एंडोथर्मिक होगा। तो कंक्लूजन क्या आया स्टूडेंट, HF या HCl के केस में ये जो स्टेप है ये नहीं हो पाया, एंडोथर्मिक हो गया, और HI के केस में स्टेप थ्री जो है वो एंडोथर्मिक हो गया। अब जरा ऑप्शन को मिलाओ इसमें कौन सा करेक्ट है, तो वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेज, मतलब HCl और HI, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 69 था, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 में क्या दिया स्टूडेंट्स, एक एल्काइन है उसमें H2 लिंडलर्स कैटलिस्ट दिया है, एल्काइन का स्टूडेंट्स पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो लिंडलर्स कैटलिस्ट देते हैं, ठीक है, या फिर बर्च रिडक्शन कराते हैं, बर्च रिडक्शन कराने से ट्रांस एल्कीन बनता है और H2 के साथ लिंडलर्स रिएजेंट देने से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
जरा क्वेश्चन को देखो, एक एल्काइन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि H2 लिंडलर्स कैटलिस्ट मतलब PDC साथ में BASO4 ये दे दिया, ये हुआ लिंडलर्स रिएजेंट। कहता है इससे बना A, इसका ओजोनोलिसिस कराए, इसका ओजोनोलिसिस कराए तो बना B, और फिर एक दिया है कि C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें वेकर प्रोसेस से बी ओनली ऐसा बनता है, सिर्फ लिखा है कि सिर्फ जो है बी बनता है ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है कि ए क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ना स्टूडेंट ए क्या होगा, मतलब ये जो एल्काइन है ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। कैसे होगा जरा समझो, इसमें अगर हम इसमें ए नहीं मतलब एल्काइन ये होगा स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम ये H2 PDC और BASO4 डालें, ये एल्काइन है बेटा और ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराएगा, पाई ब्रेक होकर के दोनों कार्बन पे एक एक एच लगेगा, और अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सिस एल्कीन बनेगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट बना HH CH3 और CH3 ये बन गया, ये हो गया हमारा ए। अब इसका ओजोनोलिसिस किया, इसमें ओजोनोलिसिस लिखा है तो रिडक्टिव मान के चलेंगे, नहीं वर्ड में खाली वर्ड में खाली लिख के दे दिया, रिएजेंट नहीं लिखा तो हम रिडक्टिव मानेंगे। तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट, इसका दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड हो यहां पे, डबल बॉन्ड हो यहां पे, तो CH3CHO क्या बना, CH3COH दो मोल बना, ठीक है ये हो गया बी। अब कहता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है, देखो वेकर प्रोसेस क्या होता है कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसमें तुम CuCl2 PdCl2 ठीक है O2 एंड H2O दे दो, तो ये जो है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कन्वर्ट हो जाएगा इसी में CH3CHO में, ठीक है ये कन्वर्ट होगा, वेकर प्रोसेस इसी को कहते हैं CH3CHO। वेकर प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनल एल्कीन के लिए होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये टर्मिनल एल्कीन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये कार्बन चाहे ये कार्बन तो यहां डबल बॉन्ड O लग जाएगा, अभी तो कहीं भी लगे कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, तो प्रोडक्ट यहां से क्या बना CH3CH डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से A और B हम लोग फाइंड आउट कर लिए, A हो गया और B CH3CHO हो जाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसके बाद इस पेपर में। 71 एक आसान सा क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का है, बहुत इजीली आप सबसे बना होगा ये क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है जरा उसको हम लोग बनाते हैं, नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड, एक तो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, सेकेंड में अगर बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का एक रिंग दिया हुआ है, तो एक 7 मेंबर का पहले हम लोग रिंग बनाते हैं, ये हो गया, और पाई बॉन्ड्स जो है उसको ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे प्लस दिया हुआ है वो लिख दिया। थर्ड जो दिया स्टूडेंट्स उसमें क्या दिया देखो, और इसमें ये दो जगह पाई दिया हुआ है और यहां पाई दिया हुआ है, और इसके बाद एक और फोर्थ में भी 7 मेंबर का एक रिंग बनाया हुआ है, तो हम लोग भी एक 7 मेंबर का रिंग बना लेते हैं, सॉरी ये 8 का हो गया, 7 का एक रिंग बना लेते हैं पहले, देखो और यहां पे पाई बॉन्ड्स के अलावे एक नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है ABCD ये दिया हुआ है, और कहता है कि इसमें से एरोमेटिक कौन सा है, चलो देखते हैं कौन सा एरोमेटिक है। इसको देखो नेगेटिव है मतलब यहां लोन पेयर है, कोई लोग कैसे समझे आप लोन पेयर है नेगेटिव है, तो देखो एक दो बॉन्ड और एक एच के साथ बॉन्ड है, बॉन्ड ये सभी है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स 4, एक नेगेटिव है मतलब कहीं से एक और ये गेन किया हुआ है, तो 4 और 1 मिला के हो गए 5, 5 में ये 3 बॉन्ड बना लिया,
तो दो इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब एक लोन पेयर, तो 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्पीसीज क्या होगा? फर्स्ट वाला एरोमेटिक, सेकेंड वाले को देखो 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगेन प्लेनर तो है ही, तो पूरे रिंग में रेजोनेंस भी हो रहा है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। लेकिन इसको देखो, ये एरोमेटिक नहीं है, ये जो स्पीसीज है इसमें पूरे रिंग में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, जैसे देखो पाई सिग्मा सिग्मा इस तरह से आ गया, तो पूरे रिंग में क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हुआ इस कारण से ये स्पीसीज एरोमेटिक नहीं होगा। और सिमिलरली इसमें भी देखो तो 2, 4, 6 और यहां एक पेयर और आ गया 8, तो ये 4n+2 सिस्टम तो हुआ नहीं, इस कारण से ये भी एरोमेटिक नहीं हुआ। तो ये दोनों एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, ये दोनों एरोमेटिक नहीं है, और ये जो स्पीसीज दोनों है ये दोनों आ गया एरोमेटिक। तो करेक्ट आंसर जो इसमें से हो जाएगा ओनली ए एंड बी, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 71, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे जरा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, और एक आसान सा रिएक्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। इस तरह से दिया है Br, और मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं इसको, जैसा दिया हुआ है Cl, इसमें दिया स्टूडेंट सोडियम और ईथर। जैसे ही तुमने सोडियम और ईथर देखा तुम्हारे दिमाग में यह चीज आ गया, अच्छा उर्ज रिएक्शन पर हाइड्रोकार्बन में वही है, यस दिस इज उर्ज रिएक्शन। तो कैसे इसका अप्रोच क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इस Br को हटाओ, यहां पे डॉट आएगा, फ्री रेडिकल प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये जाएगा यहां पे डॉट आएगा, और इन दोनों कार्बन को हम लोग जोड़ देंगे। तो कितने का रिंग बना काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, एक 5 मेंबर का रिंग बनेगा। तो हमने पहले एक 5 मेंबर का रिंग बना दिया, और देखो 1, 2, 3, 4 पे, या इधर से देखें तो 2 पे एक CH3 लगा है, तो अभी तो 1, 2, 3, 4, 5 किसी को कैसे भी मान सकते ना, तो एक CH3 लगा है, चलो हमने लगा दिया CH3, हो गया ये पहला वाला बन गया। इसमें फिर Br2 एंड HNU दिया है, मतलब फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन करते हैं वो, चलो देते हैं इसमें Br2 HNU। तो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनता है, Br2 HNU देने से प्रोडक्ट कैसा बनेगा? तो बेटा Br2 HNU अगर दिए ना तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, और जहां पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे जाके Br अटैच होता है। तो चलो तुमको दिख रहा होगा कि यहां अगर H हटा दें, इस H को हटा दें और यहां रेडिकल लाए, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इस केस में सबसे ज्यादा होगा। तो बनेगा क्या, वहां पे जो फ्री रेडिकल स्टेबल जहां बन रहा है वहीं पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, Br, ठीक है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा दिया हमने। अब फर्दर इसमें क्या दिया, तो देखो फर्दर इसमें दे दिया C2H5, यहां O नहीं स्टूडेंट्स, O- है, ठीक है, यहां पे O- होगा, और साथ ही साथ C2H5OH हीट दिया, मतलब ये बेस इन एल्कोहल दिया, तो बेस इन एल्कोहल दिया, जैसे एल्कोहलिक KOH, सोचो तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, अब तुम सोच लो एल्कोहलिक KOH देने से E2 कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तो मैकेनिज्म करा दो, अब तुम E2 में सेटजेफ एल्किन बनाओगे, तो यहां से हटा दो Br और यहां से चाहे यहां से H, तभी सेटजेफ एल्किन बनेगा, यहां से भी H हटा सकते हैं बट वो सेटजेफ मतलब कि मोर स्टेबल नहीं होगा। तो चलो यहां से H हटाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड और ये CH3 तो रहेगा ही रहेगा। इस हिसाब से अब अगर आंसर मैच करें तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72 का। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 73 में क्या दिया हुआ है। इसमें इस तरह से दिया है CH3 Hol2 CH,
मतलब CH3 hol 2 CH CH2 Br, इसमें दिया C2H5OH और फिर से ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड में देखो फिर से CH के साथ दो CH3 दे दिया और CH2 Br, यही रिएक्टेंट है और अब दिया इसमें C2H5O-. और क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस 1 and 2 आर रिस्पेक्टिवली, इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा। इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए गलती कर देते हैं क्योंकि AIPMT 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसी में यह चेंज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो AIPMT 2011 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या किया था स्टूडेंट, यही दिया हुआ था, ऐसे ही लिखा था C2H5O-, और प्रोडक्ट बना के दे दिया था, प्रोडक्ट बना के दे दिया था और तब पूछा था कि मैकेनिज्म क्या होगा फर्स्ट और सेकंड का। तो बच्चे क्लास में सॉल्व करते हैं तो उसमें SN2 आया तो बच्चों को याद रहता कि SN2 पटाख से टिक करके आगे बढ़ गए, लेकिन उनसे गलती हो गया यहां पे अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। इस चीज को जरा देखिए, उस क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ था तो तुम्हें मानना था कि हां यही प्रोडक्ट है, अब बताओ कैसे बनेगा। लेकिन अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, पूछा कि बताइए इसमें और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं, ये 1 डिग्री है हैलाइड, इस एल्काइल हैलाइड को देखो, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, 1 डिग्री। 1 डिग्री है, होना चाहिए कायदे से क्या, SN2 होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो ये अल्फा ये बीटा, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग, तो बीटा एल्काइल ब्रांचिंग SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग इंक्रीजेज SN1 रिएक्टिविटी, ये SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है बीटा एल्काइल ब्रांचिंग। तो ये SN2 के मुकाबले SN1 देना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि बीटा एल्काइल ब्रांचिंग है, और दूसरा बात ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग ये जैसे अगले वाले में है, ये निगेटिवली चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बट ये जो C2H5OH लिया गया ये वीक होगा। तो बीटा एल्काइल ब्रांचिंग था, SN1 का रिएक्टिविटी ज्यादा हुआ और साथ ही साथ C2H5OH वीक न्यूक्लियोफाइल दिया, इस कारण से इसमें प्रेफरेबल मैकेनिज्म कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कहां से देगा ये, SN1 से। अब जरा सेकेंड में देखो, है वही चीज, अगेन बीटा एल्काइल ब्रांचिंग है, बीटा एल्काइल ब्रांच होने से ना SN2 का रिएक्टिविटी बहुत ही घट जाता है, इवन अगर तुम यहां एक H हटा के एक CH3 लगा दो और तब इसका देखो रिएक्टिविटी SN2 में ऑलमोस्ट जीरो होता है। मतलब कहने का मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुमको C से CH3 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 CH2 Br ऐसा दे दे और इसमें बोले कि जरा SN2 करा दो तो होगा ही नहीं इसमें SN2, ठीक है 1 डिग्री, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे एल्काइल का ब्रांचिंग किए SN2 का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा घट जाएगा और इसका तो मान के चलो ऑलमोस्ट जीरो है, ये देगा ही नहीं SN2। इसमें देखो दो ठो CH3 लगा है, इसका भी SN2 का रेट एब्रप्टली बहुत ज्यादा घट जाएगा, लेकिन फिर भी सोचो स्टूडेंट्स इसमें C2H5O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 तो नहीं देगा। हाँ ठीक है एलिमिनेशन हो सकता था, बट अगर ऑप्शन देखो तो SN2 SN1 ऐसा करके दिया है, SN1 SN2 SN1 SN1 ऐसा दिया है, तो इसमें से अगर सिलेक्ट करना हो अब तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया तो मोस्ट सुटेबल इज कि हम यहां SN2 कह दें, SN1 तो होने से रहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसमें SN1 और सेकेंड वाले में SN2, ठीक है। तो ऑप्शन देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 73 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 74 में, अगेन क्या दिया देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग कंपाउंड, गिवन कंपाउंड का
किसके टुवर्ड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और क्या क्या कंपाउंड दिया है, देखो कंपाउंड इसमें बनाया है एक क्लोरोबेंजीन, उसके बाद यहां पे क्लोरोबेंजीन पैरा पे और ऑर्थो पे एनओ टू, नहीं पैरा पे लगाया है, इसमें एनओ टू लगा दिया। नेक्स्ट में क्या किया, ऑर्थो और पैरा दोनों पे एनओ टू लगा दिया, ठीक है, ये ऑर्थो पे हो गया एनओ टू और ये पैरा पे एनओ टू। और अगले वाले में क्या किया, दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों ही पोजीशन पे, एक मिनट, दोनों ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे एनओ टू लगाए, उसी हिसाब से बनाते हैं जैसा बना हुआ है। तो यहां पे क्लोरीन था ना, अब यहां पे एनओ टू, यहां पे एनओ टू और यहां पे एनओ टू, ठीक है। इसका न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी पूछा है। याद करो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं अगर क्लोरोबेंजीन लें और इसमें NaOH डाल दें, OH- माइनस दे, तो SN1 या SN2 तो ये देता नहीं है, क्लोरोबेंजीन SN1 या SN2 तो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, कहते हम लोग की पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहां पे, इस कारण से लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी कम हो जाएगी, तो लिविंग ग्रुप हटेगा ही नहीं। दूसरा रीजन क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा अटैक करने तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। तीसरा रीजन क्या कहते हैं कि अगर SN1 सोचे तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, फिनाइलिक कार्बोकेटाइन बेंजीन पे प्लस आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये SN1 SN2 तो देता नहीं है, तो कौन से मैकेनिज्म से देगा, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ना स्टूडेंट्स, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बेनायन बनता है, कुछ इस तरह से मैकेनिज्म होता है। देखो जैसे इस तरह से दिया ना क्लोरीन, ठीक है, इसमें अगर तुम न्यूक्लियोफाइल दोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस पाई को तोड़ देता है। पाई को अगर तोड़ेगा तो क्या बनेगा, जरा देखो, ये क्लोरीन, ये न्यूक्लियोफाइल, यहां नेगेटिव। अब तुम अगर रेजोनेंस कराओगे, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो निगेटिव देखो कहां कहां आया, ये यहां पर आ गया, यहां निगेटिव, और एक और इसमें अगर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड तो है ही, CLNU, यहां डबल बॉन्ड, यहां निगेटिव। तो तुम लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में निगेटिव चार्ज कहां कहां आया, ऑर्थो पे और ये पैरा पे, ये ऑर्थो पे। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट इसका क्या बना, कार्बेनाइन बना कि नहीं बना। अब अगर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बना तो एक्सेप्टर ग्रुप अगर रहेगा स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, और नेगेटिव चार्ज आया कहां पे, ध्यान से समझो, नेगेटिव चार्ज कहां आया, नेगेटिव चार्ज आया लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे। इसीलिए अगर लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे माइनस एम ग्रुप लगा हुआ हो, तब जो इसका कार्बनायन होगा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट जो बना वो क्या बना, बोलो, कार्बेनायन। सो एक्सेप्टर ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन क्या करेगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, माइनस एम ग्रुप रहेगा तो देखो इसके ऑर्थो पैरा पे कुछ नहीं है, इसके पैरा पे माइनस एम लगा है, ऑर्थो पैरा दोनों पे माइनस एम लगा और दोनों ऑर्थो पैरा तीनों पे माइनस एम लगा एनओ टू, तो सबसे ज्यादा कार्बेनायन इसका स्टेबल होगा, फिर इसका स्टेबल होगा, फिर इसका, तो 4-3-2-1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन मैच करो, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो देखते हैं 75 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, सो सी 75 में द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ टरीलीन आर इथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीमर का क्वेश्चन है। टरीलीन जो पॉलीमर होता है, टरीलीन, इसका मोनोमर्स क्या होता है, एक तो इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH ये हो गया, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीज की तरह इसका यूज करते हैं, और दूसरा होता है, एक तो ये हो गया और दूसरा टेरेथैलिक एसिड क्या हो गया, जैसे ऑर्थो पे दो COH लगा दो तो थैलिक एसिड, मेटा पे लगा दो आइसोथैलिक एसिड, पैरा पे लगा दो टेरेथैलिक एसिड,
मतलब COH और COOH इस तरह से। इसका पॉलीमर जो बनेगा ये टरीलीन, ये कैसा दिखेगा? तो देखो COOH कैसा है, इस तरह का एक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खाली लिख देते हैं, ये हुआ ना COOH। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ये होगा, तो OH और H आंसर तो इतना सही मिल गया, बट फिर भी पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो देखो ये फिनाइल इस तरह से लिख दो CO O और यहां से जुड़ा ना OH और H हटा तो CH2, फिर CH2, फिर इसका O OH, ठीक है। तो इसका एक मिनट ऐसा करो, इसको जो है इसका OH और इसका H इसको हटाओ, ठीक है, ऐसे हटता है OH और H। तो O जो रहेगा इसका रह ही जाएगा दूसरा वाला, ये दूसरे से रिएक्शन किया होगा, O यहां पे क्लोज कर दो। और इस साइड देखो अगेन क्या है CO, अब COOH का क्या जा रहा है OH, अरे इसमें क्या गया COOH का OH, तो यहां पे बंद कर दो हॉल एन, इसी को क्या कहेंगे टरीलीन या फिर डेक्रॉन। तो तुमसे तो सिंपल पूछा था कि मोनोमर्स क्या है, तो टेरेथैलिक एसिड ये आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए इसमें तो और नहीं है, फिर आ जाइए सेक्शन बी में और देखते हैं सेक्शन बी में अब कौन कौन सा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 91, और 91 बहुत आसान सा है, सभी से एकदम सही सही बना होगा। देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तुरंत ऐसे ही हो जाएगा। मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट मीथेन क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अरे चार सिग्मा बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पेयर फोर हुआ, फोर का sp3, टेट्राहेड्रल शेप होता है इस तरह का, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 60 मिनट का एक डिग्री तो 30 मिनट हाफ डिग्री हुआ करीब करीब, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 109.5 डिग्री भी लिखते हैं। अब ऑप्शन पढ़ो, मीथेन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर करेक्ट है, बॉन्ड एंगल HCH 109.5 डिग्री, ठीक है मान लिया, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइट, ये रॉन्ग है बिकॉज sp3 है, और CC और CH बॉन्ड लेंथ ये सही दिया हुआ है 154 पिकोमीटर होता है और 112, तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पॉलीमर का भी दिया हुआ है PHBV, PHBV ये पॉलीमर, इसका जो मोनोमर्स होता है ना स्टूडेंट्स, इसका जो मोनोमर्स होता है वो देखो क्या क्या होता है, एक होता है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा जो होता है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। पहले तो ऑप्शन मैच कर लो, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक प्लस थ्री हाइड्रोक्सी पेंटानोइक, आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्री हाइड्रोक्सी मैं बना के भी बताता हूं कैसे बनेगा, पेंटानोइक एसिड। अब देखो ये कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, देखते हैं। तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक ये कैसा होगा, एक दो तीन चार COOH कर दो और एक दो तीन थ्री पे हाइड्रोक्सी लगा दो, ठीक है, एक दो तीन चार चार ये हो गया। और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटानोइक क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से ये फर्स्ट है ना थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक, और इसका मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एक दो तीन चार पांच COOH कर दो और वन टू थ्री पे हाइड्रोक्सी लगा दो, बाकी CH3 CH2 CH CH2 ये हो गया थ्री हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ये भी अगेन कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, इसका कार्बोक्सिलिक का OH और इसका एल्कोहल का H, OH और H वाटर बना के बाहर निकाल दो और जोड़ दो इसको कंडेंसेशन, तो देखो कैसा दिखेगा। तो यहीं से लिखना शुरू करते हैं, देखो ध्यान से देखना C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O लिखा, इससे क्या जुड़ेगा देखो स्टूडेंट, इससे क्या जुड़ेगा ये O, तो जोड़ दो O, अब O से क्या है CH, लिखो CH, CH से इधर C2H5 है लिख दो C2H5, फिर इस साइड क्या है CH2, फिर CO और ये फिर OH है, तो ये दूसरे के साथ जाएगा दूसरा एल्कोहल के साथ, तो यहां पे क्लोज कर दो, फिर इस साइड
इस साइड देखो, इसका हम लोग लिखे थे सीओ और आगे इधर से जुड़े थे, इधर क्या है सी एच टू और क्या है फिर सी एच, सी एच से एक सी एच थ्री लगा हुआ है और फिर ओ एच है तो ओ एच का एच जाएगा और लिख दो हॉल एन। यही जो बना स्टूडेंट इसी पॉलीमर को पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट सीओ पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट पीएचबीवी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर तो हो ही गया था इसका, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 ये हो गया, 93 भी आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 93। मैच कॉलम का है, आसान सा है, देखो क्या है C2H6 और Cl2 UV-light, C2H6 मतलब CH3 और इसमें दिया Cl2 UV-light। ये रिएक्शन कौन सा होता है बेटा, अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, आया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब ये क्यू ऑप्शन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है। फिर देखो ये ए है, ए इसका क्यू हो गया, बी में देखो, बी में दिया C6H5NH2 मतलब कि एनिलीन और इसमें क्या दिया देखो NaNO2 plus HCl और 273 से 278 केल्विन। ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा बोलो, तो यहां से बन गया क्या जरा देखो N2 plus Cl- और बेटा इसमें दे दिया फिर Cu2Cl2 यही दिया है, तो ये सेंड मेयर रिएक्शन होगा कि नहीं स्टूडेंट, तो यहां से क्लोरोबेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। और ये किसमें दिया है देखो सेंड मेयर एस में, इसका हो जाएगा एस, इसका हो गया क्यू, ये हो गया एस। अब सी का देखो, सी तो CH3Cl plus NaI ये बनाया CH3I plus NaCl, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिनकेलस्टाइन रिएक्शन होगा, तो फिनकेलस्टाइन देखो किसमें दिया हुआ है, फिनकेलस्टाइन रिएक्शन पी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, पी में दिया है फिनकेलस्टाइन। और एक और जो दिया हुआ है CH3Br plus AgF, तो स्टूडेंट वो स्वार्ट्स रिएक्शन होगा। ठीक है ना, CH3Br और AgF बनाया। ये भी जो रिएक्शन है ना ये भी हेलोजन एक्सचेंज ही है, इससे फ्लोराइड मेनली बनाया जाता है और इसका नाम स्वार्ट्स रिएक्शन मतलब कि आर में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर अब मैच करो, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 93 का। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, इसको देखते हैं 94 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में एजर्सन रीजन दिया हुआ है और क्या दिया, क्लोरीनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन हो गया CH2CH3, इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट मेनली यील्ड्स 1-chloro-2-phenyl-ethene। इसका अगर क्लोरीनेशन करा दें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो कहां पे जाके क्लोरीन लगेगा, जहां की फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो वहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो स्टूडेंट्स यहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो ऐसा बनेगा इस CH के साथ Cl और CH3। ठीक है ना, तो 1-chloro-1-phenyl-ethene होगा, लेकिन इसमें देखो क्या दिया है, दिया है 1-chloro-2-phenyl-ethene, इसका मतलब एजर्सन रॉन्ग हो गया। रीजन देखो, द रिएक्शन अकर्स थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल CH3। यस सही तो है, यही रेडिकल ना ज्यादा स्टेबल होगा CH.CH3, ये मोर स्टेबल है तब तो जाके इस पे Cl डॉट अटैक करके मेजर प्रोडक्ट ये वाला दिया है, इसका मतलब रीजन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा, एजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं 95 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 95। इसमें दिया हुआ है हम लोगों को C6H12O6 और इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी दिया और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से भी दिया। याद करो C6H12O6 ऐसे तो ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, बट प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट के को देख के एक अंदाजा जरूर लग जाएगा कि ये ग्लूकोज का रिएक्शन है। तो ग्लूकोज क्या होता है, स्ट्रक्चर CHO, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे काम भर, CHOH का हॉल 4 और CH2OH, ये क्या हो गया ग्लूकोज। इसमें अगर कॉन्क HNO3 डालोगे, कॉन्क HNO3 इस CHO को ऑक्सीडाइज करता है और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो COH बाकी एज इट इज रहता है, CHOH का हॉल 4 और COH, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, सैकेरिक एसिड, ये बनता है। यही अगर Br2 वाटर रहता तो खाली ऊपर में COH रहता, बाकी एज इट इज। फिर इसी का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया, CH3COOCOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। अब सोचो क्या होगा, ये जो OH है ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा CO को ओपन, फिर रिटर्न होके लिविंग ग्रुप भागेगा, मतलब यहां OCOCH3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये एज इट इज रहेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CHO CH OCO CH3, ये चार बार, और नीचे भी तो यही है CH2OH है तो OCOCH3 हो जाएगा, तो CH2OCOCH3, इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पार्ट था, होप कि आप सब इंजॉय किए होंगे और आगे का भी टेस्ट इसी गर्म जोशी से देंगे, अच्छे से देंगे, ताकि आपके नीट में अच्छे से अच्छा स्कोर लाए। थैंक यू वेरी मच।